स्टूडेंट गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीआई एजुकेशन हब बांसु। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9। बिफोर दैट इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द जोहन मेंडल्स वर्क। ओके, वी डिस्कस अबाउट द मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, अंडरस्टैंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्री मेन लॉज विच आर गिवेन और प्रपोज्ड बाय द जोहन मेंडल। दीज थ्री लॉज आर, वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। Okay, what these three large states? So the law of dominance state that the genes or their alleles can be represent itself. It means the dominant gene represent or express itself even in the heterozygous condition. It means law of dominancy explains that the gene or allele of the gene can express itself when it come in heterozygous condition or when it came in single form. ओके, यानी एलील्स क्या होते हैं? तो हमने देखा है कोई भी कैरेक्टर को जो नोटिस करता है या किसी भी फीचर को जो कंट्रोल करती है वो अकेले जीन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हाइट है तो उसको कैपिटल टी कंट्रोल करती है, इज दैट क्लियर? यानी ये एलील्स हैं, जब जीन्स पेयर में होते हैं दे आर नोन एज एलील्स। ओके, तो डोमिनेंसी के लाभ में उसने कहा कि कोई भी जीन जो डोमिनेंट है वो अगर अकेली भी आएगी तो वो अपने आप को फिनोटिपिक रेशियो में क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। ये हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं कि एफ एन प्रोजेनी में अगर एक कैपिटल टी है दूसरी स्मॉल टी है तो वो पूरे के पूरे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी हमने देखा कि अगर आर कैपिटल है अकेला और वाई कैपिटल है, इट मीन्स वो सारे के सारे सीड्स कैसे होंगे, येलो एंड राउंड होंगे, क्लियर है, राउंड एंड येलो। तो ये चीजें हम ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं हमें कि कोई भी जो जीन डोमिनेंट है वो अपने आप को सिंगल यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी फिनोटाइप में एक्सप्रेस करती है। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, यानी दो जीन आए जरूरी नहीं है, यानी वो एलील में आए इट इज नॉट एसेंशियल, अगर वो अकेली भी आती है तो भी वो अपने आप को फिनोटाइप क्या होता है, उसकी आउटर अपीयरेंस, उसमें वो एक्सप्रेस करेगी खुद को, क्लियर है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ये जो एलील्स होते हैं, ओके, यानी जीन जो पेयर में होती है, दे गेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो हमने ये भी देखा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ये जो जीन्स पेयर में होती हैं या जिनको हम एलील बोलते हैं, ये जो एलील्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, क्लियर है। तो हमें पता है जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं, अंडरस्टैंड, और यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना, अलग अलग होना। यानी जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जो एलील है यानी जो जीन स्पेयर में है वो अपने आप को क्या कर देंगी, सेग्रेट कर देंगी, अलग सेपरेट कर देंगी। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, और इसने क्या कहा कि ये जो गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है और वो अपने आप को सेग्रीगेट करती हैं, सो दे आर इंडिपेंडेंट, इट मीन्स वो डिपेंड नहीं करते किसी पे भी। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि गैमेट जब फॉर्मेशन होगी तो दोनों गैमेट्स में कैपिटल टी आए हैं, इनमें दो जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी आएगा, क्लियर है। या फिर आप कहें कि एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है पेरेंट के पास, तो जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी आएगा, अंडरस्टैंड और नॉट। कहने का मतलब ये है कि दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंड नहीं करते किसी पे भी, वो अपने आप ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड दैट इज द लॉ नोन एज इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इट मीन्स जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है और जब जीन्स सेपरेट आउट होती हैं एलील से सेग्रीगेट होती हैं तो वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट होती है, दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर. इज दैट क्लियर? अपने आप वो सेग्रीगेट हो जाती है. वो ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी ने बोला कि भाई अगर कैपिटल टी आएगी तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो मैं वहीं रह जाऊंगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली उनको सेग्रीगेट होना पड़ेगा. ओके, तो दीज थ्री लॉज आर गिवेन बाय द जून मेंडल. एंड लेट डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. अंडरस्टैंड? सेक्स डिटर्मिनेशन. So it is the process by which the sex of an offspring can be determined. Okay, that is known as sex determination. यानी किसी भी बेबी का आपको सेक्स डिटरमाइन करना है कि वो एक बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है. इसके लिए देखिए मेनली दो फैक्टर्स होते हैं जिनपे किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन होता है या डिपेंड होता है. एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ओके, और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, अब जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल ऐसे हैं जिनमें जीन्स या क्रोमोजोम डिसाइड करते हैं कि उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा. इट शुड बी मेल और इट शुड बी फीमेल. अंडरस्टैंड? तो जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ह्यूमन बींग्स का. तो देखिए टोटल ह्यूमन बींग्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स होते हैं 46, यानी आप कह सकते हैं टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये भी पेयर्स में रहते हैं. ओके, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 21 पेयर को हम मानते हैं ऑटोसोम्स, जो सेम होते हैं मेल और फीमेल में. और लास्ट पेयर जो क्रोमोसोम है दैट इज हैविंग द एक्स एक्स एंड एक्स वाई. यानी जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है मेल में, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है. ये क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं. दैट्स व्हाई लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं. इस नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, जो कि फीमेल में होता है एक्स एक्स और मेल में होता है एक्स वाई. अब देखिए जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो जो फीमेल का एग होगा दैट कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम्स, कोई भी एग हो दोनों में एक्स ही होगा, और मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स एंड अनदर कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम में होगा क्या, आइदर दिस एग्स गेट फर्टिलाइज विद एक्स कंटेनिंग स्पर्म और दिस एग्स फर्टिलाइज विद वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म. ओके, आइदर दिस एग्स गेट फर्टिलाइज विद दिस एग्स और आइदर दिस एग्स फर्टिलाइज विद वाई. यानी दो चांसेस हैं, राइट और नॉट, 50% चांसेस हैं कि जो फीमेल का एक्स कंटेनिंग एग है, एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग है, दैट गेट फर्टिलाइज विद एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, और आइदर इट गेट फर्टिलाइज विद द वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म. तो जब जायगोट हमें मिलेगा तो जायगोट में क्या ऑप्शंस होंगे, जायगोट में ऑप्शंस होंगे एक्स एक्स, ओके, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स. अंडरस्टैंड और नॉट? यानी जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास आएगा उसमें क्या चांसेस है, 50% चांसेस है कि उस ऑफस्प्रिंग में जायगोट आ गया, जायगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिटस की फॉर्मेशन होगी. यानी जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो चाइल्ड मिलेगा, उसके क्या हो सकते हैं, 50% चांसेस है कि इट कंटेनिंग एक्स एक्स क्रोमोसोम्स एंड दैट शुड बी ए फीमेल चाइल्ड. ओके, एंड 50% चांसेस आर देयर दैट कंटेनिंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, इट मींस दैट शुड बी ए मेल चाइल्ड. इज दैट क्लियर? तो यानी कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट देयर आर 50% चांसेस टू बी इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म और टू इनहेरिट वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म. यस, 50% चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए फीमेल तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, बिकॉज फीमेल हैविंग ओनली द एक्स एक्स क्रोमोसोम्स. द मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई,
इनहेरिट होता है एक्स क्रोमोजोम तो हम क्या मिलेगी फीमेल चाइल्ड, और अगर इनहेरिट होता है वाई क्रोमोजोम तो क्या मिलेगा मेल चाइल्ड। यानी 50% चांसेस है कि अगर ये रेशियो मिलता है, अगर जीनोटाइप एक्स एक्स होता है, इट मीन्स इट इज ए फीमेल चाइल्ड। ओके, और अगर जीनोटाइप मिलता है एक्स वाई देन दैट शुड बी ए मेल चाइल्ड। क्लियर है? और लास्ट चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं कि पहले एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट तो नहीं कह सकते, बिफोर 7-8 इयर्स क्या था, सेक्स डिटरमिनेशन एक बहुत बड़ी एक की एक बहुत खतरनाक चीज बन गया था। इट इज टू डेंजरस। क्यों? क्योंकि जो है 3-4 मंथ में सेक्स डिटरमाइन हो गया बेबी का वॉम्ब में, और गर्ल चाइल्ड होते थे इट शुड बी अबॉर्टेड। अंडरस्टैंड? तो अब उस पर कंप्लीटली बैन हो चुका है। सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? जेनेटिक रेशियो है तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सेकेंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर देखिए कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे टर्टल है, स्नेल है। ओके, इनमें क्या होता है, किस टेम्परेचर पे उनका एग फर्टिलाइज्ड होता है वो डिसाइड करता है कि जो बनने वाला सेक्स है वो फीमेल चाइल्ड होगा या मेल होगा। क्लियर है? इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ उसमें अफेक्ट करते हैं, टर्टल है, स्नेल में भी अफेक्ट करता है ये। अंडरस्टैंड? तो ये रेशियो है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये लास्ट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करना है, एंड यू हैव टू बी डू सेल्फ प्रैक्टिस। ओके, हैव ए गुड डे।